हिमाचल से हैं हरवंशी जी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मेरे को 20-25 साल से थायराइड की शिकायत है और यूरिक एसिड, और रात को मेरे यूरिक एसिड और थायराइड, और मेरे को रात को नींद बिल्कुल नहीं आती है। 35 साल की बात है अपनी बात की। आपकी उम्र क्या है? उम्र मैडम मेरी 60 साल है। ठीक है ठीक। अच्छा देखिए, जो भी दवाएं आपकी चल रही हैं वो आप यूज़ करते रहें, इस्तेमाल करते रहें, उन्हें रोके नहीं। एक नुस्खा मेरा बताया हुआ इस्तेमाल करना शुरू कर दें और फिर 2 महीने बाद देखें। अभी आप थायराइड का टेस्ट कराएं और फिर 2 महीने बाद कराएं, आपको उसमें फ़र्क लगे तो 7-8 महीने कर लेना ये नुस्खा, और धीरे धीरे डॉक्टर आपकी जो दवा है, क्योंकि बहुत पुराने मरीज़ हैं आप, 20 साल हो गए, तो धीरे धीरे आप अपनी रिपोर्ट खुद देखना और अपने डॉक्टर को दिखाना अगले 2 महीनों की। तो अगर आपको लगे कि आपका थायराइड कम होने लगा है तो उस पर नज़र रखें, और डॉक्टर आपकी थायराइड की गोली धीरे धीरे कम करता जाएगा और धीरे धीरे वो छूट जानी चाहिए। लेकिन इस काम में 7-8 महीने लग सकते हैं, 2 महीने आप ज़रूर देखें। देखिए, धनिया लीजिए 300 ग्राम, धनिया तो सभी जानते हैं, धनिया का दाना 300 ग्राम, और अलसी और सॉरी धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, और आंवला सूखा मिलता है वो 100 ग्राम, ये इसमें गौंद मोरिंगा 100 ग्राम सफ़ेद, ये असली चाहिए, बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं नकली नहीं होती हैं, लेकिन ये असली चाहिए गौंद सफ़ेद गौंद मोरिंगा 100 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच रोज़ाना खा लिया करें सुबह, वो गोली जो खाते हैं आप उसके साथ, और 1 चम्मच शाम को भी लें पानी के साथ, और गर्म पानी पिए तो बहुत फ़ायदा। फिर आप 2 महीने बाद अपनी दोबारा रिपोर्ट कराएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको विश्वास भी हो जाएगा कि आपका थायराइड आपसे जा सकता है। जी, और जो इन्हें नींद नहीं आती हकीम साहब? और नींद के लिए आप वैसे तो थायराइड का इलाज करेंगे तो नींद आनी चाहिए, ये बड़ा सुकून वाला इलाज है, लेकिन अगर नींद नहीं आती है तो जैतून का सिरका रात के समय सोते में 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी मिलाकर पी लिया करें, अच्छी सुकून वाली नींद अगर आपको चाहिए तो।